मेरठ में सरकारी स्कूल में एक अल्पसंख्यक टीचर द्वारा बहुसंख्यक बच्चों को मांस खिलाने का मामला सामने आया है, जिसमें वहां के स्थानीय पार्षद ने इस मामले को पुलिस के संज्ञान में लिया है और जहां पर लोगों ने उसको जमकर पीटा वहीं पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और उसके निलंबन की कार्रवाई चल रही है। सब्जी मंडी वाले में स्कूल में सब्जी मंडी क्या हुआ सर, क्या करा टीचर आपकी है? हाँ। क्या किया? लंच में आज आई थी आलू सोयाबीन, तुमने वे खा ली, मैंने तो एक रोटी खाई, उन्होंने दो खाई, तो फिर सब्जी में खाई, आज मेरी सब्जी बढ़िया नहीं आई, तो जब उन्हें पता मिल जाएगा तो मुझसे जाकर मीट लिया सोफा, सही में 100 रुपये दे काट गया, मुझे जाके लिया भी आया आधे घंटे बाद आके सजी मुझे मैंने मुझसे पूछी तो खाया मैंने ना खा दी, उनसे पूछी थी इन्होंने ना कर दी मैंने सर ने कहा ये तो खा गए था खाने तू रहने दे चाहे, मैं बाहर चला गया फिर बाहर घर में छोड़ दी, अंदर आके पंखे में मुँह ढक कर लेट गया था। तुमने अपने घर जाके बताया? अपने नाना को बताई थी जाते स्कूल से। फिर क्या हुआ? फिर नाना है, नाना ने कही तुम ना खाया सब्जी गए नहीं। तुम कभी मीट खाए हो? नहीं कभी नहीं। उन्होंने जबरदस्ती की थी? मेरे से नहीं गई, इनसे कही थी पर उन्होंने ना कर दी। क्या नाम है बेटा आपका? तरुण कुमार। मैम एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे को मीट का खाना खाया गया, किस तरह की कार्यवाही है, क्या पूरा? ये जो मामला है ये प्राइमरी स्कूल वेदवाड़ा का है, यहाँ पे एक ही टीचर हैं, मोहम्मद इकबाल टीचर हैं, एकल अध्यापक हैं, स्कूल में 20 बच्चे पंजीकृत हैं और आज 1:30 बजे मेरे पास इस स्थानीय पार्षद का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि इस तरह का कुछ मामला संज्ञान में आया, तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा गया, प्रकरण की जाँच कराई गई और उसमें ये पाया गया कि आज 20 बच्चों के सापेक्ष 6 बच्चे स्कूल में उपस्थित थे और 6 में से 5 बच्चों ने मीट खाया, उसमें से एक बच्चा जो दिव्यांग था उसने भी मीट खाया, तो क्योंकि इस तरह की कार्यवाही इस तरह का कृत्य टीचर के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, हमारे स्कूलों में मिड डे मील आता है वही सब बच्चों को खाना होता है और इसलिए टीचर को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो भी कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद जो कुछ होगा, ये प्रथम दृष्टया यही मैं कार्रवाई कर सकती थी सस्पेंड करने की वो मैं कर चुकी हूँ, आगे जो भी जांच होगी जांच में जो भी आएगा आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर और भी स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा, ये बड़ी घटना है नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी को खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि वो मिड डे मील का नियमित अंतराल पे चेक करते रहें और इस बच्चों से पूछ लें कि इस तरह की कोई और घटना की संज्ञान में ना आए।